श्री राकेश गुप्ता जी और डॉक्टर पी के मलिक। यहाँ आज के इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सीधा मीडिया से बात करेंगे और अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो मीडिया से संवाद करें। हेलो, आज हेलो अंबेडकर हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू हो रहा है। इस पूरे इलाके में, आसपास की कई विधानसभाओं में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो इस हॉस्पिटल को लगभग 2013 में कंसीव किया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि कई सालों के बाद अब ये हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है। आज इसके 200 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। ये 600 बेडेड हॉस्पिटल है, बाकी पूरा हॉस्पिटल 600 बेड्स और अपने आईसीयूज के साथ और 1-1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। आज 200 बेड्स चालू किए जा रहे हैं जो कि कोरोना में काम आएंगे, क्योंकि कोरोना की महामारी है। इस वजह से पहले 200 बेड जो तैयार हो गए थे उनको शुरू किया जा रहा है। इन सभी 200 बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल है। सबसे ज्यादा कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। दिल्ली के अंदर आज कोरोना की स्थिति काफी हद तक काबू में आ गई है। दिल्ली में सभी पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं, रिकवरी रेट इंप्रूव कर रहा है, पॉजिटिविटी रेशो कम हो रहा है, डेथ्स कम हो रही हैं, अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो 200 बेड आज कोरोना के लिए शुरू हो रहे हैं, इनकी जरूरत ही ना पड़े। चाहे खाली रहे ये बेड, लेकिन हमें अपनी तैयारी करके चलनी है। सब लोग कहते हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा, तो हालांकि अभी हमारी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगर आगे भगवान ना करे स्थिति खराब भी होती है, तो हमारी दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है उस स्थिति से निपटने के लिए। पूरी दिल्ली में अब धीरे धीरे करके हमने बेड्स बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं, तो उसी दिशा में आज ये अंबेडकर हॉस्पिटल में जो 200 बेड शुरू किए जा रहे हैं, ये दिल्ली की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। ये अंबेडकर हॉस्पिटल अभी कई महीने बाद शुरू होना था, इसकी शुरू होने की डेट अभी बहुत दिन बाद थी, लेकिन मैं सभी को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने मेहनत करके इसको कई महीने पहले शुरू कर दिया और दिल्ली के लोगों के लिए 200 बेड्स आज खोल दिए, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं। थैंक यू सर। नेशनल जी, सभी लोग राष्ट्रगान बहुत बहुत धन्यवाद।